आखिर मरते हुए कर्ण ने श्री कृष्ण से क्या पूछा? महाभारत काल की यह घटना आज तक ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि उस समय आखिर क्या हुआ था, लेकिन आज हम आपको श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए कुछ ऐसे ज्ञान आपको बताएंगे जो आपको हिला कर रख देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को ऐसी बात कही कि उसे सुनकर कर्ण की भी आंखों में पानी आ गया था। इसलिए अब बिना किसी देरी के हम यह वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मिस्ट्री ऑफ गॉड। चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, महाभारत का दौर ऐसा दौर था जब कई सूरवीरों ने अपनी जान गंवा दी थी। वो चाहे अभिमन्यु हो, कर्ण हो, द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु हो या भीष्म पितामह जैसे रक्षक हो, लेकिन इनमें से एक योद्धा ऐसा था जो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल दुख ही सहन करता रहा। वह कोई और नहीं कि सभी के प्रिय अंग प्रदेश के राजा अंगराज कर्ण थे, जो अपने पराक्रम और शौर्य के कारण पूरे भारतवर्ष में मशहूर हो गए थे। भले ही उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों के दुर्योधन का साथ दिया था, लेकिन वे कभी भी धर्म के मार्ग से नहीं भटके थे। कर्ण जैसा दानी तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं था। एक बार जब श्री कृष्ण और कर्ण के बीच में संवाद हो रहा था, तब कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर मेरा क्या कसूर था जो मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। जब बच्चे को माँ की आवश्यकता होती है तब मैं अपनी माँ से दूर था। राजपुत्र में जन्म होने के बावजूद भी मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, और इसी सूत पुत्र होने की वजह से द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया। क्या सूत पुत्र होना भी एक गुनाह था? लेकिन उसके बाद में मैंने जिस गुरु से शिक्षा ली उससे भी मुझे सच को छुपाना पड़ा कि मैं सूत पुत्र हूँ। मुझे ब्राह्मण बनकर परशुराम से विद्या सीखनी पड़ी, लेकिन वह विद्या भी अंतिम समय में काम नहीं आई, क्योंकि जब गुरु परशुराम को मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्होंने भी मुझे श्राप दे दिया। आखिर एक राजपुत्र और सूत पुत्र के बीच इतना भेदभाव क्यों किया गया? क्या मैं उनका शिष्य नहीं था? क्या मेरे कौशल में कोई कमी थी? एक बार जब गलती से एक गौ माता को मेरा बाण लग गया तब उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि वहाँ भी मेरा कोई भी दोष नहीं था। आप तो यह जानते ही होंगे वासुदेव। इतना ही नहीं बल्कि मित्र को अपमानित होते हुए देख मैंने द्रौपदी के स्वयंवर में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उस स्वयंवर की शर्त को पूरा कर रहा था, तब भी उस भरी सभा में मुझे सभी राजाओं के सामने अपमानित किया गया, मुझे सूत पुत्र कहा गया। आखिर उस समय मेरा क्या दोष था? क्या मैंने कोई गलती की थी? जब मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं था तब केवल एक दुर्योधन ही वो शख्स था जिसने मुझे सहारा दिया, और जब मैंने उनके खिलाफ जाने वालों के सामने शस्त्र उठाए तो माता कुंती ने मुझे अपना राज बताया कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और पांचों पांडु तुम्हारे सगे भाई हैं। और उस समय भी उन्होंने दान में मुझसे अपने पांचों बेटों की जान को बख्शने को कह दिया। हे वासुदेव, आप मुझे बताइए कि उस समय आखिर मैं क्या करता? जिस दुर्योधन ने मेरा हर वक्त साथ दिया, क्या मैं उस समय उस दुर्योधन का साथ छोड़ देता? आखिर मेरी क्या गलती थी जो मुझे इतना बड़ा दंड भुगतना पड़ा, और वह भी अपने ही लोगों से? क्या मैंने कोई बड़ा पाप किया था जिसकी सजा मुझे हर तरफ से मिली? कर्ण की इन बातों को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यह नियति का विधान है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। तुम खुद को इतना दुर्भाग्यशाली समझते हो तो सुनो, मेरा जन्म भी सलाखों में हुआ। मेरे एक नहीं बल्कि 8-8 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। वे तो यह जानते भी नहीं थे कि यह दुनिया कैसी है। उनके आने से पहले ही उन्हें मार दिया गया, और मैंने जन्म लिया तो भी क्या हुआ? मेरी मृत्यु तो मेरा काल बनकर मेरा पीछा कर रही थी। जब मैं दूध पीने की अवस्था में था तो बड़े बड़े असुर ने मुझ पर हमला कर दिया। माँ तो मेरी भी मेरे पास में नहीं थी, वो कंस की जेल की सलाखों में बंद थी। हे राधे, तुम्हारा तो बचपन युद्ध कौशल और अत्यंत सूरवीरों के साथ बीता, लेकिन मैं गाय के गोबर के बीच में बड़ा हुआ। गौशाला में ही मेरा घर था, गाय चराना ही मेरा काम था, और लोग मुझे ग्वाला ही कहते थे, और इसी बीच मुझ पर प्राण घातक हमले भी किए जाते थे। मुझे उन राक्षसों से लड़ना पड़ा जिसे मुझे मारने के लिए स्वयं मेरे मामा ने भेजे थे। ना तो मुझे कोई शिक्षा मिली और ना ही कोई मुझे गुरु ज्ञान दिया। हर बार मुझे ताने ही झेलने पड़े।
क्यों उनकी समस्या का कारण मैं ही, भले ही तुम्हें तुम्हारे गुरु ने श्राप दिया हो, लेकिन परशुराम जैसे महान गुरु ने इस श्राप के देने के साथ तुम्हें जन्मों जन्मों तक महान बना दिया। मुझे तो गुरु भी 16 वर्ष की उम्र के बाद मिले, तुम्हें तो केवल खुद को श्राप मिला। लेकिन मुझे जब श्राप मिला तो उसके भागीदार मेरे पूरे परिवार वालों को भी बनना पड़ा। मुझे तो अपने पूरे परिवार को यमुना से हटाकर कहीं और ले जाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मुझे ऐसा मजबूरन करना पड़ा। मुझे रण छोड़ने की वजह से रणछोड़ भी कहा गया। अगर तुम दुर्योधन की तरफ से लड़ते हुए मारे भी गए तो तुम युगों युगों तक लोगों की चुभा पर रहोगे, और अगर तुम युद्ध में जीत जाते हो तो तुम्हें बहुत शौर्य मिलेगा। लेकिन इस युद्ध से मुझे क्या मिलेगा? बल्कि मैं तो यह युद्ध लड़ भी नहीं रहा हूँ। अगर धर्मराज युधिष्ठिर यह युद्ध जीतते हैं तो इससे मेरा क्या फायदा? मैं तो एक सारथी बनकर इस युद्ध में सम्मिलित हुआ हूँ। मुझे तो इस युद्ध के दुष्परिणाम का जिम्मेदार समझा जाएगा, मुझे उनकी हत्या का दोष दिया जाएगा, मुझे कई माता के श्राप झेलने पड़ेंगे और अपने ही लोगों से मुझे दूर रहना पड़ जाएगा। यह नियति है राधे, इसके आगे कोई भी नहीं निकल सकता। दुर्योधन ने धर्म का साथ दिया है और धर्मराज ने भी अन्याय को सहन किया है। इन दोनों में कौन सही है, यह तुम अपनी अंतर आत्मा में भली भांति जानते हो। यह नियति सबकी परीक्षा लेती है। महत्व यह नहीं है कि तुमने दुखों को सहन किया है, तुमने अपमान को सहन किया है। तुम्हें खुद का अधिकार नहीं मिला तो भी क्या हो जाएगा? अगर तुम इस संकट का सामना कर लेते तो शायद आज यह स्थिति देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अधर्म का विनाश होना तो तय ही है। तुमने धर्म का साथ दिया तो यह भोगना भी तुम्हें ही पड़ेगा। अब रोना धोना बंद करो। जिंदगी न्याय नहीं करती तो इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलने की मंजूरी दे दी जाए। तुम्हारा वध तो होना निश्चित ही है, और वह भी खुद अर्जुन अपने हाथों से करेगा, क्योंकि धर्म की ही हमेशा जीत होती हुई आई है और होती रहेगी। इन शब्दों को सुनकर कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे मृत्यु से डर नहीं है, परंतु मेरे सामर्थ्य का क्या होगा? इसे सुनकर फिर वापस श्री कृष्ण बोले कि राधे, तुम्हें छल से मारना पड़ रहा है, इससे बढ़कर और भी ज्यादा सामर्थ्य क्या हो सकता है? तुम्हें दिए श्राप के कारण जब तुम्हारा रथ का पहिया भूमि के अंदर घट जाएगा तब तुम्हें नीचे उतरना ही पड़ेगा और उस पहिये को बाहर निकालना ही पड़ेगा। तब उस समय अर्जुन को निहत्थे कर्ण पर वार कर उसे छल से मारना पड़ेगा। अब राधे, तुम यह रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नाम इतिहास में एक बड़ा नाम बनने वाला है। तुम्हें लोग दानवीर, सूरवीर और प्रतापी कहेंगे। तुम यह सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे शौर्य का क्या होगा। दोस्तों, यह हुई थी श्री कृष्ण और कर्ण के बीच की वार्ता। दोस्तों, इस पूरी वार्ता में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी है और आपको यह वीडियो पसंद आई है या नहीं, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताना। धन्यवाद।